हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे एक और न्यू कैंपिंग वीडियो में। और आज हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं एक ऐसी लोकेशन पे जिसके बारे में हमने यहाँ पे जो है पहले भी आपको वीडियोस में बताया है। हमने बताया कि यहाँ पे पहाड़ पे एक मंदिर है, तो मतलब करीबन 500 मीटर 600 मीटर के आसपास मैंने बताया था पहले। तो आज मैं जो है उसके पास में ही कैंपिंग कर रहा हूँ और मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे जो है छोटी सी एक वैली है, मतलब एक छोटा सा नाले टाइप का। तो उसके अंदर पेड़ उगे हुए हैं बहुत सारे और उसके दूसरी तरफ में यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी कैंप कर रहा हूँ, तो इस जगह पे थोड़ी समतल सा एरिया है, तो मतलब पहाड़ के ऊपर ही। तो वहाँ पे जो है मैंने अभी यहाँ पे कैंप करने की जो है लोकेशन को फाइनल किया है। और अभी आपको मंदिर भी दिखाऊंगा, यहाँ से दिख रहा है पूरा एकदम, लाइटिंग वगैरह हो रखी है। और गाइस, जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल को पे जो है नए आए हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स भी आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी जो है फाइनली हमने यहाँ पे टेंट को जो है असेंबल कर लिया है। ये देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी यहाँ पे रस्सियाँ हैं, तो इनको यूं ऊपर करके बांधना पड़ेगा। तो इनको बांधते हैं फटाफट। तो गाइस, यहाँ पे जो है एक अजीब से जैसे भेड़िए नहीं होता उस टाइप के जानवर की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही हो तो वीडियो में। तो जल्दी से सामान को जो है अंदर रखते हैं, वो देखेंगे जो होगा जो देखा जाएगा। और आज हम जो है दो बैग लेके आए हैं, एक तो हमारा जो रेगुलर बैग होता है वो, और एक ये एक अलग से बैग है जो पुराने वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों, और ये इसलिए हम लाए हैं क्योंकि गाइस अभी सर्दियां पड़ने स्टार्ट हो चुकी है और इसमें है हमारा स्लीपिंग बैग, दिखाएंगे आपको। तो इनको पहले सामान को अंदर रखते हैं इससे पहले कि इसमें कुछ घुस जाए बैग वगैरह में। तो इनको रखते हैं साफ़ करके, इनके थोड़ी घास चुभ गई है तो इनको साफ़ करके रखना पड़ेगा। इसमें चुभने वाली घास होती है नुकीली, जो एक बार घुसने के बाद उसको निकाल नहीं सकते आप, वो कांटे की तरह होती है और मतलब वो वापस नहीं निकलती, वो घास छुपने के बाद सूखी होने के बाद में। ये पहाड़ों पे थोड़ा ऐसा रहता ही है, एक अलग ही तरीके की घास होती है वो। ये हमारी सेल्फी स्टिक कम ट्राईपोड। वैसे इसमें ज़्यादा बैलेंस नहीं बन पाता है क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये तीन जो लग गए ये तो रोक लेंगी, पर फिर ये चीज़ है ना जो नीचे जमीन पे टच होती है तो ये बैलेंस नहीं होने देती है ज़्यादा हाइट पे। तो आप इसको वैसे सेल्फी स्टिक यूज़ करना चाहे तो सही है, बाकी ये ऐसे रुकता नहीं है यूँ, जैसे इस पर फ़ोन डालेंगे तो ये थोड़ा सा यूँ नीचे आ जाता है एक स्टेप, तो इतना ही ऊपर जा पाता है। तो इसको करते हैं बंद और रखते हैं इसको भी अंदर, क्योंकि टेंट के अंदर हम जो है फ़ोन को जब भी लगाते हैं, मतलब कि ट्राईपोड पे या फिर सूट के लिए, तो छोटे वाले उस पे ही लगाते हैं क्योंकि अंदर इतना बड़ा ट्राईपोड जो है वो सही से आ नहीं पाएगा टेंट में, तो वही सही रहता है। तो चलिए अब चलते हैं टेंट के अंदर। ये इधर सामान रखा हुआ है, बैग अंदर रखे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान निकाल लिया है और ये कुल्हाड़ी हमने निकाल ली है बाहर। और यहाँ पे पीछे एक डॉगी भौंक रहा है और अभी हम जो है थोड़ी सी लकड़ी लेके आएंगे कैंप फायर करने के लिए। तो ये लाइट जली हुई है और हम आ चुके हैं लकड़ियाँ लेके। ये हम यहाँ पे लेके आए हैं एक झाड़ सूखा हुआ पड़ा था, पहाड़ों पे ढूंढ के लाए हैं जाके और ये हमें मिला है। तो इसी को आज हम जो है एज इन कैंप फायर यूज़ करने वाले हैं, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इनके ऊपर जो है हम डालने वाले हैं
हमारा ये सैनिटाइज़र जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, इससे आग जल्दी जल्दी लग जाती है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेंगे। और अब जो है हमारा ये लाइटर, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इग्नाइट हो जाए। तो भाई चलिए अब जो है यहाँ पे कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। अपने गैस को ओपन करते हैं और सिलेंडर को इससे अटैच करते हैं और रेडी करके तैयार रखते हैं। बाकी आज जो है हम एक नई चीज़ बनाने वाले हैं, जो कि शायद पता नहीं कैसी बनेगी, देखेंगे। वो रेसिपी हमने जो है कहीं से देखी थी और आज हम जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बार ही वो चीज़ हम बनाएंगे, तो वो जो है हम यहाँ पर रेडी करेंगे। अभी नहीं बताएंगे, पहले हम यहाँ पर सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, फिर बाद में बताएंगे हम क्या बना रहे हैं। ये आपके लिए एक सस्पेंस है। और गाइज आपको जो है मेरे कैंपिंग से रिलेटेड या फिर मेरे जो एडवेंचर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको जो है पसंद आते हैं, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं। आपका सपोर्ट ज़रूरी है ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं और जो है अच्छे से सब चीज़ें कर सकूं। वैसे आप जो है मेरे से अगर बात करना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें तो वो आप कमेंट करके जो है मुझसे कर सकते हैं, वीडियो के अंडर जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर। अभी के लिए इसको साइड में रख रहे हैं हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें जो यहाँ पे पहले चॉपिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं टेंट के अंदर और टेंट के अंदर ही बैठ के चॉपिंग करेंगे। तो गाइस अभी हम जो है यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, जो भी हम यहाँ पे डिश रेडी कर रहे थे उसके लिए। तो ये चॉपिंग बोर्ड हमने बाहर निकाल लिया, अपने नाइफ जो था मैंने बाहर निकाल लिया, ये इसका कवर है, कवर में रखा हुआ है। और वेजिस हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो आज जो है वेजी से हेल्दी चीज़ कुछ बनाने वाले हम, तो पहले इनको जो है रेडी कर लेते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या बना रहे हैं हम और कैसे क्या जो है क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी हमने जो है यहाँ पे लहसुन को जो है छील लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी अदरक भी यहाँ पे जो है छील ली है। वेज लहसुन को जो है यहाँ पे हमने जो चॉप करके यहाँ से हटा दिया है चॉपिंग बोर्ड से, और अब हम जो है यहाँ पे चॉप करने वाले हैं अदरक। देख सकते हैं यहाँ पे हमने अदरक को भी अच्छे से जो है बारीक बारीक यहाँ पे चॉप कर लिया। नेक्स्ट नंबर है चॉपिंग का, वो है यहाँ पे शिमला मिर्च। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है शिमला मिर्च को अच्छे से हमने चॉप कर लिया है। नेक्स्ट बारी है हमारे यहाँ पे हरे प्याज जो होते हैं उनकी, प्याज को भी जो हमने यहाँ पे अच्छे से चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जी हमारी है पत्ता गोभी, इसको जो है पूरा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि फिर पूरा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको जो है फटाफट से काट के और चॉप कर लेते हैं। तो अभी जो है फाइनली पत्ता गोभी भी जो है यहाँ पे हमने जो है कैबेज पत्ता गोभी जो बंद गोभी आती है तो वो यहाँ पे चॉप कर लिए अच्छे से। और अब जो है सारी चॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है, तो अभी जो है सिर्फ कुकिंग कुकिंग का काम बचा है, तो फटाफट से जो है अब कुकिंग की भी यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं और चलते हैं बाहर स्टोव के पास। यहाँ पे जो हमने गैस सेट कर ली है और यहाँ पे एक पत्थर लगा लिया है, तो ये क्या है थोड़ा खड़ा हो गया, तो इससे हवा नहीं आएगी। आज हवा चल रही है बहुत तेज़ नॉर्थ साइड से, नॉर्थ ईस्ट साइड से। तो इधर अब ये इसके ऊपर ही अपन बर्तन डालते हैं और इसको चालू करते हैं। और अब इसमें जो है बर्तन में हम डालने वाले हैं, बर्तन में हम डालेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें कभी बनाना अगर आप घर पे बनाएं तो, वैसे तो बटर डाला जाता है इसमें, पर मेरे पास बटर नहीं है तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगा, हल्का सा, बस इतना ही, क्योंकि बटर तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ऑयल कम ही डालना होता है। और यहाँ पर ठीक ठाक सा यहाँ पर जो है गर्म हो चुका है ऑयल, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अपने जो प्याज थे, और ये गिर ना जाए कहीं हाथ से लग के, तो ये प्याज नहीं मतलब कि लहसुन और अदरक जो थे वो डालेंगे। इसको चलाते रहेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। इस नेक्स्ट बारी है हमारे प्याज और शिमला मिर्च की। अब जो
जो है पत्ता गोभी को डालते हैं। ये पत्ता गोभी डाल दी अच्छे से पूरी, इसको चला लेते हैं, नहीं तो ये चिपक जाएगा नीचे सब कुछ जो भी है। और इसकी बनाते बनाते इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना, बस पूछे मत। तो गाइस अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी, तो अब इसको जो है थोड़ा यहाँ पे पानी को गर्म होके अच्छे से पकने देते हैं। तो अभी हम जो है इसमें डालने वाले हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स, सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर। अब इसको थोड़ा मिला लेते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए, इसमें थोड़ा कलर भी आ जाएगा। अब इसमें डालने वाला है नमक, और यहाँ पे नमक जो है हमारे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ है, हमने नया ध्यान नहीं दिया था अपनी डब्बी का, तो उसमें नमक बहुत कम है, तो फिर आज के लिए तो काफ़ी है इतना। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, और अब इसको जो है थोड़ा उबलने देते हैं, अब उबलने के लिए छोड़ देते हैं इसको। तो गाइस फाइनली जो है यहाँ पे हमारा सूप जो है वो तैयार हो गया है। तो जी हाँ, आज हमने बनाया है यहाँ पे वेज सूप। इसमें आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर का आटा था ना, तो उसका वो एक बेस सा तैयार करके पानी सा गाढ़ा वो भी डाल सकते हैं, तो उससे क्या है ये थोड़ा और ठीक हो जाता है इसका जो ये होता है। और थोड़ी वेजीज यहाँ पे हल्की सी ज़्यादा कट गई थी जो गोभी थी, वो इस वजह से ये ज़्यादा दिख रहा है। बाकी ये सूप तैयार हो गया, अब इसको बंद करते हैं, नहीं तो ये फिर पानी उड़ जाएगा पूरा, फिर ये पीने लायक तो बचेगा ही नहीं कुछ। तो इसको बंद करते हैं और इसको जो है अंदर ले लेते हैं टेंट के, क्योंकि गाइस बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, और आप देख सकते हैं वहाँ पर जो फायर वो जो है कैंप फायर वो चल रही है, धीरे धीरे चलती रहेगी। सारा सामान हमने अपने अंदर जो है यहाँ पर ले लिया है, सेट कर लिया है सब कुछ इधर साइड में, क्योंकि इधर हम पैर करने वाले गेट की तरफ और इस तरफ अपना सिर, तो आज हम यहीं पे सोएंगे और मॉर्निंग में जाएंगे फिर यहाँ से। और इधर ये हमारा बैग रखा है, इसके अंदर स्लीपिंग बैग है, और ये इधर पावर बैंक और चार्जर है जिससे फ़ोन मतलब जो जिससे मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँगा। और ये हमारा सूप है जो भी दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है और पीने में भी तगड़ा ही होगा फिर। और ये यहाँ पे इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख रखा है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। सूप तैयार किया है, काफ़ी टाइम लगा है, रात के 11 बज गए सूप को बनाते बनाते, और मतलब कि यहाँ पे हम जो है करीबन 6 बजे के आसपास आए थे, यहाँ पर 11 बज चुके हैं। केवल सूप बनाने में काफ़ी टाइम ज़्यादा लगा है और एक कैंप फायर को जलाने में। और अगर आपको जो है मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जो है गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे को जो है यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और अब जो है हम यहाँ पर सूप को ट्राई करते हैं, ये देखिए, अरे वाह, ये तो एकदम जैसे वो नहीं होता मतलब रेस्टोरेंट्स में जैसे होता ना, एकदम वैसा वेज सूप बना है, बिल्कुल वेजिटेरियन सूप, क्या मस्त बना है। तो इसको फटाफट से पी के आज यही खाने पीने वाले, मतलब यही पीने वाले हम, यही पी के सोएंगे क्योंकि भूख नहीं आज इतनी। और इसको फिनिश करते हैं और आपसे मिलते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो गाइज। तो ये स्लीपिंग बैग यहाँ पर हमने जो है बाहर निकाल लिया है, इसको अब एक बार सीधा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ओपन कर लिया स्लीपिंग बैग, इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करते हैं, अब इसके अंदर घुस जाते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी हम जो है स्लीपिंग बैग के अंदर आ चुके हैं, और अब जो है सोते हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग।
अभी सुबह हो चुकी है, 6 बज रहे हैं सुबह के, और रात को काफ़ी ठंड थी। रात को स्लीपिंग बैग में सोए थे तो सर्दी नहीं लगी। बाकी अभी भी हवा चल रही है थोड़ी ठंडी ठंडी, और पता ही है अब जब गाइस सर्दियों में हवा चलती है तो कितनी भयंकर लगती है। तो अभी उठ चुके हैं और स्लीपिंग बैग को और जो मैट थी उसको पैक कर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लैप्स भी हम आपको दिखाने वाले हैं सनराइज़ का। वैसे अभी हुआ नहीं है, थोड़ी सी लालिमा जो होती है आकाश में सनराइज़ होने से पहले, तो वो हो रखा है अभी। तो इसको भी जो है टाइम लैप्स पे सेट करेंगे, और मैं जो है अभी यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कोई टी बैग पड़ा होगा तो टी बनाएंगे, अभी चाय बनाने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ से जो है चलेंगे। तो चलिए आप कीजिए टाइम लैप्स को एंजॉय और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइज पहले काफ़ी लोगों ने कहा है कि मॉर्निंग का भी दिखाओ, ये मतलब पहले कमेंट आए थे। तो आज हमने जो है सुबह की भी जो है कैंपिंग कर ली है, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे आप सभी का प्यार रहेगा। तो और यहाँ पे दो डॉगीज मेरे को घूर रहे हैं खब से खड़े होके, ये देखो। तो गाइस अभी जो है सनराइज़ हो चुका है और हमने यहाँ पे जो है पैकिंग भी कर ली है। पीछे यहाँ से जो टेंट लगाया था हमने यहाँ पे टेंट लगाया था, तो टेंट को भी यहाँ पे जो है हमने हटा लिया है और बैग में पैक कर लिया है सारा सामान, स्लीपिंग बैग टेंट वेंट सब कुछ समेट लिया है, मैट, बस थोड़ा बहुत सामान है जो कॉफ़ी बनाने के लिए हमने बाहर रखा है, तो कॉफ़ी बना के फिर पी के जाएंगे यहाँ से। और अभी जो है सनराइज़ हो चुका है, आपको दिखाते हैं। वो देखिए सन दिख रहा है आपको, मंदिर के पीछे से उग रहा है, तो वहाँ पे ये सनराइज़ हो रहा है। और इधर जो है हमारी कॉफ़ी बन रही है। ये रात को जो हमने कैंप फायर किया था, ये लकड़ी यहाँ पे थोड़ी सी बची थी मोटी, तो हमने इसको ऊपर डाल के छोड़ दी थी, तो ये रात को अपने आप बुझ के बंद हो गई। और गाइस इसमें जो है हम यहाँ पे कॉफ़ी डाल दी, हमने यहाँ पे कैमरा चालू नहीं किया था, भूल गया था मैं रिकॉर्ड करना, तो कुछ एरर आ गया था, तो ये रिकॉर्ड कर दिया। इसमें हमने डाली है ब्रू की जो कॉफ़ी आती है छोटा वाला सेशे, वो डाला है, और यहाँ पे कुछ शुगर वगैरह है हमारे पास, छोटे पाउच रखे हुए शुगर के, तो वो डालेंगे हम। और आज जो है मिल्क नहीं है तो ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी बन चुकी है, एकदम ब्लैक कॉफ़ी बनी है, तो अभी जो है हमें कॉफ़ी पीते हैं फटाफट गर्मा गर्म। और सनराइज़ हो चुका है, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे थोड़ी सी आंशी आ रही होगी क्योंकि सीधा सामने सूरज है। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल पाए, मुझे सपोर्ट मिल पाए, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गाइस, गुड बाय।